चलें अगर, तो दिस इज क्विकली डिक्रीजिंग. समटाइम्स हमारे पास फंक्शन इस तरीके से होता है. अब यहाँ पे एकदम ये स्टीप जा रहा है, ठीक है, मतलब पता लग रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वो डिक्रीज आपका कम हो गया, फिर यहाँ पे ये डिक्रीज ज्यादा हो गया. तो इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे. बेशक यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, बट यहाँ जो है एक पॉइंट, मतलब या एक इंटरवल हम कह सकते हैं कि ऐसा आ जाता है जहाँ पे जो आपका डिक्रीज है बहुत लो है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी दिस काइंड ऑफ, जहाँ पे क्लियर कट पता लगता है कि ये कहीं पे भी आपकी वैल्यू आप कह सकते हो कि कांस्टेंट टाइप नहीं हो रही है, स्ट्रिक्टली वो डिक्रीज कर रही है. ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है. बट इसमें अगर देखें तो वेरी क्लोज पॉइंट्स अगर मैं लेके चलूंगी तो वहां पे जो अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू कहें तो दैट विल बी सेम. तो इसके लिए हमने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करना है, और इसके लिए ये सिंपली हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग है, और ये जो है हम कहेंगे कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसको हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं, अगर ग्राफिकली हम इसको नहीं ले रहे तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन इन योर बुक वी आर हैविंग, कि अगर हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हम हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. सो फॉर दैट व्हाट वी यूज टू डू कि एफ ऑफ एक्स का जो हमारा इंटरवल होता है हम उसमें कहीं पे भी कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं. एफ ऑफ एक्स जिस इंटरवल में हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस इंटरवल में हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे. ये दोनों आपके अनइक्वल पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि या तो x1 लेस देन x2 होना चाहिए या x1 ग्रेटर देन x2 होना चाहिए. अब अगर x1 लेस देन x2, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल, और ये हमें देते हैं, दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ x1 जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पे ये वाली वैल्यू या इक्वल आ जाए या इसी तरीके से आए, कि अगर हमने लेस लिया है तो लेस का ही सिंबल आए, देन वी विल से दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, इज इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल आए. ठीक है, इसी तरीके से अगर x1 लेस देन x2 मैंने लिया, बिलोंग्स टू आई इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, एंड आई गेट कि दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इन वन इज एफ लेस देन एफ ऑफ x2, यानी कि उस इंटरवल में ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो एफ ऑफ x1 की वैल्यू है वो एफ ऑफ x2 से लेस आएगी, कहीं भी वो इक्वल नहीं आएगी, देन वी विल से दैट एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, क्लियर है ये चीज. उसके बाद सेम वे में x1 मैंने लेस देन x2 लिया, बट वैल्यूज पुट करने पे फंक्शन में एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाता है. यहाँ लेस देन का साइन है, यहाँ ग्रेटर देन आ जाता है, या अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो इधर लेस देन आ जाए, यानी कि ये दोनों साइंस जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, अगर वो दोनों साइंस आपके उल्टे आ रहे हैं देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ठीक है, जो भी इंटरवल लिया है उसमें जो आपका फंक्शन है दैट विल बी डिक्रीजिंग. अगर x1 लेस देन x2 इंप्लाई करता है एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है, देन स्ट्रिक्टली. फिर आ गया समझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में साथ में आपका इक्वल टू का साइन जो है वो नहीं आएगा. अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन ले लेते हैं. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है 7x-3 और मुझे ये बताना है दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा. तो एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है 7x-3
-3, कुछ भी फंक्शन आपका गिवन हो सकता है। हम क्या करेंगे, x1 और x2 जो है टू पॉइंट्स ले लेंगे जो r को बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं लेना, हमने इसको जनरल वे में शो करना है, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं शो कर रहे क्योंकि सभी रियल नंबर्स के लिए हमने शो करना है, तो हम जनरल फॉर्म लेके चलेंगे। तो x1 कॉमा x2 बिलोंग कर रहे हैं r को, अब x1 कॉमा x2 बिलोंग कर रहे हैं r को सच दैट x1 इज लेस देन x2, x1 जो है वो x2 से लेस है। आप चाहो तो x1 ग्रेटर देन x2 भी ले सकते हो, आंसर दोनों वेज में आपका सेम आएगा। दोनों में से कोई एक मेथड करना है आपने, मैं दोनों करवा रही हूँ। जब x1 लेस देन x2 लिया, फंक्शन मेरा क्या है 7x-3, अब मुझे शो क्या करना है f(x1) और f(x2) को चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आई हैव टू शो दैट f(x1) इज लेस देन f(x2)। f(x1) क्या आएगा यहाँ पे 7x1-3, f(x2) क्या आएगा 7x2-3। मेरे पास यहाँ पे क्या है x1 लेस देन x2, तो इनको मुझे इस फॉर्म में लेके आना, इनको इस फॉर्म में लाने के लिए पहले x को क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7, ये आ जाएगा आपका 7x1 इज लेस देन 7x2। अब दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा 3 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, (7x1-3) इज लेस देन 7x2-3। साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब आपका x1 लेस देन x2 था, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देयर विल बी नो चेंज इन योर इनइक्वालिटी। सेम वे में जब आप सेम नंबर माइनस करोगे दोनों में से, तो अगेन देयर विल बी नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। 7x1-3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x1) को, एंड दिस इज लेस देन f(x2). तो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट f(x1) इज लेस देन f(x2), ठीक है, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, क्योंकि ये r को बिलोंग कर रहा था, इंटरवल हमने रियल नंबर्स का ही लिया था, तो हर रियल नंबर के लिए जो आपका ये फंक्शन है दैट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आप इस तरीके से लेते हो देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x1 इज ग्रेटर देन 7x2, 7x1-3 इज ग्रेटर देन 7x2-3, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). x1 ग्रेटर देन x2 इंप्लाई कर रहे हैं f(x1) ग्रेटर देन f(x2). अगेन देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल एज द फंक्शंस। अगर यहाँ ग्रेटर देन लिया, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन लिया, यहाँ भी लेस देन, दोनों में से कोई एक वे करना है, चाहे आप ऐसे शो कर दो, चाहे आप ऐसे शो कर दो, दोनों इकट्ठे नहीं लोगे, ठीक है, क्लियर। सो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, दिस वॉज योर सेकेंड डेफिनेशन, जो ग्राफिकली शो किया था मैंने, दैट वॉज योर फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट x0 इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल x0-h एंड x0+h, स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट पे जो है आपका फंक्शन सेम वे में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, देयर इज नो चेंज इन द सेम x1 लेस देन x2 के लिए f(x1) इज ऑल्सो लेस देन f(x2). इसके बाद जो मेन हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे हमारे, दैट इज ऑन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम चेक करेंगे वेदर द फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने सिंपली क्या करना है, जो भी फंक्शन मुझे गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। इफ f(x) इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आएगा, अगर f(x) आपका लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेस देन 0 पे f(x) देन डेरिवेटिव लेस देन 0 पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द डेरिवेटिव, यानी कि f(x) इक्वल टू 0 आ रहा है, देन फंक्शन इज अ
कांस्टेंट फंक्शन। आपको पता है एफ ऑफ एक्स में जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो किसके लिए आता है? कांस्टेंट के लिए आता है। तो जब आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब फंक्शन आपका कांस्टेंट है। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर? ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग, इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, पहला क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+17। इसको अभी जैसे मैंने करवाया आप वैसे भी कर सकते हो। ये मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है। आई हैव टू शो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हर रियल नंबर के लिए ये आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक तो वही मेथड हो जाएगा आपका, x1 > x2 लिया, एज्यूम कर लिया, तो 3x1 > 3x2 हो जाएगा, देन 3x1 + 17 > 3x2 + 17, यानी कि एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो x1 > x2 implies f of x1 > f of x2, तो function is strictly increasing। या तो इसको ऐसे कर लो, otherwise हम क्या कर सकते हैं, इसको first order derivative से भी कर सकते हैं। f of x मुझे क्या given है? 3x + 17। अब f dash x अगर मैं निकालूंगी what will be its derivative? 3x + 17 का derivative क्या आएगा? 3। अब 3 जो है आपका दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू ले लूं क्योंकि x की वो वैल्यू पुट नहीं हो रही है। एफ डैश एक्स आपका कांस्टेंट आ रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। आपका ये इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। अब दिस इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चाहे आप इस तरह के क्वेश्चंस को इस वे से कर लो, चाहे आप इससे कर लो, दैट इज अप टू यू। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स रियल नंबर्स के लिए दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 2 × e^2x as it is into derivative of 2x is 2। So this is 2 × e^2x। अब is it greater than 0, less than 0 or equal to 0? This will always be greater than equal to 0, क्योंकि अगर x आपका नेगेटिव भी हो जाता है तो उसको हम अपॉन में करके e^2 को पॉजिटिव बना सकते हैं, दैट विल अगेन गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और e^2 है ये 2x, तो दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकती, तो ओनली ग्रेटर देन 0, सो दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगेन हर x की वैल्यू के लिए ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो दिस इज योर रिजल्ट। विच वन?
एक्सक्यूज मी मैम, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, ओके, थैंक यू बच्चे। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो आपने पहले एफ ऑफ एक्स आपको साइन एक्स गिवन है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, कॉस एक्स आ गया। अब कॉस एक्स आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि कॉस एक्स पॉजिटिव। तो कॉस एक्स पॉजिटिव यानी कि कॉस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये आपका इंटरवल में जो फंक्शन है दैट विल बी इंक्रीजिंग। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेस देन एक्स आ गया ना, एफ डैश एक्स आपका क्या है दैट इज कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू इन द इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। उसके बाद सेम वे में आप यहां पे लिखोगे इन द सेकेंड इंटरवल कॉस एक्स इज नेगेटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाय टू टू पाई कॉस एक्स इज नेगेटिव मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सिंस फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड पाई बाय टू टू पाई फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो इट विल बी नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू पाई। Therefore, f of x is neither increasing nor decreasing in the interval 0 to pi. Last bench pe kaun hai? Dhruv, kya ho gaya bache? Are you not feeling well? Have you done this? Bhavya, is it done? Chaliye, moving on to the next question number 4. Find the intervals in which the function given by f of x is equal to 2x cube minus 3x is strictly increasing, strictly decreasing. अब इसमें थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। मुझे f of x गिवन है, डेरिवेटिव बताइए इसका क्या आएगा। हाँ जी, what will be the derivative? Where is your book? बुक को भी ले आना था बेटा, साथ में थोड़ी सी हवा लग जाती। एफ ऑफ एक्स वी आर गिवन 2x क्यूब माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? 4x माइनस 3। अब देखो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब मैं x की हर वैल्यू के लिए इसको इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकती वेदर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। मुझे अब यहाँ पे इंटरवल्स निकालने होंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन जीरो बन रहा है डेरिवेटिव और कहाँ पे लेस देन जीरो बन रहा है। फॉर दैट वी आर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हम कहते हैं, या वी कैन से दैट फंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एक उस स्पेसिफिक पॉइंट।
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x-3। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो आपका जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/4, यानी कि 3/4 आपका ऐसा पॉइंट है जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे फंक्शन अगर इंक्रीज कर रही थी इससे पहले तो डिक्रीज करेगी, अगर पहले डिक्रीज कर रही थी तो इस स्पेसिफिक पॉइंट के बाद फंक्शन आपका इंक्रीज करना शुरू कर देगा। प्लस वन में ये चीज आपको करवाई हुई है, यू कैन रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। मुझे इंटरवल गिवन नहीं है यहाँ पे, मुझे सिंपली ये बताना है इंटरवल्स निकालने हैं जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जब मुझे एक स्पेसिफिक इंटरवल गिवन नहीं होता तो वी चेक इट ऑन ऑल रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे आप चेक करोगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट ले लो नंबर लाइन पे, दिस इज 3/4। देन आपके पास दो मेथड्स होते हैं, या तो आप क्रिटिकल पॉइंट को एफ डैश एक्स में पुट करके चेक कर लो कि आपका वो ग्रेटर देन जीरो बन रहा है या लेस देन जीरो बन रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि आपने उसको इक्वल टू जीरो करके लिया है तो दिस विल गिव यू जीरो ओनली। तो आपने क्या करना है, आप इसको नंबर लाइन से चेक कर लो। नंबर लाइन से फर्स्ट वाला आप हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेते हो, नेक्स्ट इंटरवल आप नेगेटिव के लिए लेते हो। लेट अस सपोज कि आपके पास इस तरीके से दो पॉइंट्स होते, 1 and 2, अप टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। लास्ट वाला आपने पॉजिटिव लेना था, दिस वन नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव, ऑल्टरनेट आप प्लस माइनस लेके चलते हो। अब फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट था तो इधर वाला आपने पॉजिटिव ले लिया, इधर वाला नेगेटिव। इन केस अगर एफ डैश एक्स के आगे होल में आपका नेगेटिव होता तो इस पॉइंट पे वैसे पॉजिटिव बनता है, बट वो आपका क्योंकि होल में नेगेटिव था तो आपके साइंस उल्टे हो जाएंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा देन आई विल डिस्कस। अभी फिलहाल आप ये देखो, एक्स इज इक्वल टू 3/4 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, नंबर लाइन पे आपने क्रिटिकल पॉइंट लिया, इंटरवल का कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आपको गिवन नहीं थी तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मीन्स वी आर चेकिंग इट ऑन ऑल द रियल नंबर्स। तो 3/4 से इंफिनिटी पॉजिटिव, नेक्स्ट इंटरवल में दिस इज नेगेटिव, दो ही इंटरवल्स बन रहे हैं हमारे। अब फंक्शन हमें बताना है ऑन विच इंटरवल दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव वाले पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस वाले पे डिक्रीजिंग होगा, यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इंफिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3/4। क्लियर? हाँ जी, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब अगर आपने इसको डायरेक्टली चेक करने हैं, डायरेक्टली देखो, अब आपके पास यहाँ पे दो इंटरवल्स बन रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/4 एंड माइनस 3 प्लस 3/4 है, एंड 3/4 से इंफिनिटी। अगर आप नंबर लाइन के थ्रू इसको नहीं करना चाहते, व्हाट यू विल डू, माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। क्या लोगे? माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में लेट अस सपोज कि मैंने जीरो ले लिया, एफ डैश एक्स में उस वैल्यू को पुट करो। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 4 × 0 - 3, दैट इज -3। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 3/4 में फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। उसके बाद सेकेंड इंटरवल बन रहा है 3/4 टू इंफिनिटी। यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, फंक्शन को कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट वहां से उठा लो। लेट अस सपोज मैंने 1 ले लिया, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में आता है वो, तो 4 × 1 = 4, -3 = 1, 1 > 0, यानी कि इस इंटरवल के लिए जो आपका फंक्शन है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो आप इस तरीके से इंटरवल्स देख लो कौन कौन से बन रहे हैं, देन उनको एफ डैश एक्स में पुट करो। 3/4 को मत पुट करना बिकॉज दैट विल गिव यू, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करोगे तो दैट विल गिव यू 0। तो जो इंटरवल्स आपके बन रहे हैं उनमें से कोई एक पॉइंट आप ले लो रैंडमली एंड उनको यहाँ पे एफ डैश एक्स में पुट करोगे। ये ध्यान रखते हैं आपने, एफ डैश एक्स में पुट करने पे एफ डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चाहे तो आप डायरेक्ट नंबर लाइन से यहाँ, that is your wish. So in your homework you are to try question number 5 and 6. 6 में आपके parts हैं,
तो वो इवन पार्ट्स आप उसमें से कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू इन द सेम वे जैसे ये वाला किया है इन द सेम वे दैट विल बी डन. बच्चे डोंट रिमूव योर मास्क.